कपूर के टोटके ग्रह और वास्तु दोष दूर करते हैं। कपूर के कुछ उपाय करने से रुपए पैसे से जुड़ी दिक्कतें भी धीरे धीरे दूर होती हैं। आइए जानते हैं कपूर से जुड़े इन खास उपायों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित के टोटके में। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, चाहे तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें। दोस्तों, घर में नकारात्मक शक्तियां हो तो लोगों के बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। उस घर के लोग बहुत बीमार रहने लगते हैं और उस घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। छोटा सा कपूर घर से इन नकारात्मक ऊर्जा को चुटकी में बाहर निकालने का काम करता है। पूजा पाठ में कपूर का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है। कपूर के बिना आरती और हवन अधूरा होता है। कपूर जलाने से न सिर्फ घर का वातावरण सुगंधित बना रहता है, बल्कि ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करता है। कपूर जलाने से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा आती है। कपूर में कुछ औषधीय गुण भी होते हैं। इसके अलावा ज्योतिष उपायों में कपूर का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कपूर के टोटके ग्रह और वास्तु दोष को दूर करते हैं। कपूर के कुछ उपाय करने से रुपए पैसे से जुड़ी सभी प्रकार की दिक्कतें भी धीरे धीरे दूर होती हैं। आइए जानते हैं कपूर के टोटके। अगर आपके बने बनाए काम अक्सर बिगड़ जाते हैं तो कपूर से जुड़े कुछ उपाय जरूर आजमाएं। इसके लिए अपने घर में सुबह शाम कपूर जलाएं। घर में दोनों समय कपूर की आरती करने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है। इतना ही नहीं, इससे नकारात्मक शक्तियां भी घर से दूर भागती हैं। कपूर जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। कपूर से आरती करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आरती करने से पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। घर का सारा कचरा बाहर कूड़ेदान में फेंक दें, इसके बाद ही घर में कपूर की आरती करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। कपूर का इस्तेमाल घर का वास्तु दोष सही करने में किया जाता है। इसके लिए कपूर के कुछ टुकड़े एक कटोरी में लें और उस स्थान पर रख दें जहां वास्तु दोष है। कपूर खत्म होने के बाद वहां कपूर के नए टुकड़े रख दें। कुछ दिनों तक लगातार ऐसा करें। कपूर से जुड़े ये उपाय वास्तु दोष दूर करते हैं। कपूर के टोटके से कुंडली में मौजूद पितृ दोष या काल सर्प दोष भी दूर किया जा सकता है। इसके लिए घर में तीन समय सुबह शाम और रात में कपूर जलाना चाहिए। कपूर से जुड़े ये उपाय करने से राहु केत के भी दोष भी दूर होते हैं। काम में बार बार रुकावटें आती हों तो शनिवार के दिन कपूर से जुड़े उपाय करें। इसके लिए नहाने के पानी में कपूर और चमेली के तेल की कुछ बूंदे डालें। अब इस पानी से नहाएं। ऐसा करने से शनि दोष दूर होता है। कपूर के इस उपाय से काम में आ रही रुकावटें दूर होने के साथ साथ घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आपको सोते समय बुरे सपने आते हैं तो सोते समय तकिए के नीचे कपूर रखकर सोएं। इससे नींद अच्छी आती है और घर में नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कपूर से जुड़े उपायों के बारे में। आशा करता हूं आपको पसंद जरूर आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।